नमस्कार, मैं हूं निशा गई, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कुछ ऐसे उपाय जो आपके जीवन में खुशियां लाएं। जी हां, समय ऐसा है कि डिप्रेशन वाला, परेशानियों से भरा हुआ, कहीं पे इनकम की सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पे नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है, कहीं पे पारिवारिक सेहत जो है वो खराब हो रही है। हम बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होंगे जो रोज इस परेशानियों से जूझ रहे होंगे, और क्योंकि ये परेशानियां बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे भी कुछ उपाय जरूर प्रभु ने बनाए हैं हमारे लिए, जिनको कि हम रोज पालन करें तो हमारे जीवन में ये कष्ट जो है ये धीरे धीरे दूर हो सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है पामिस्ट्री विद निशा गई। अगर आप को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम पेज है निशा एस्ट्रोपामिस। तो हम अपने जीवन में परेशानियों को कैसे दूर करें, कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो सेहत को लेके मैं जरूर बताने जा रही हूँ ऐसा उपाय जिससे कि आपको परेशानी जो सेहत से लेके, हम कोरोना से लेके या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन आपके घर में अगर पुरानी चली आ रही है, तो ऐसा क्या करें आप कि जिससे कि आपके जीवन में थोड़ी सी सहन शक्ति बढ़े। तो आपने लेने हैं 5 बादाम के दाने, और बादाम 5 के दाने लेकर आप उनको अपने सर के ऊपर से ऐसे फेर दीजिए। जी हाँ, ऐसे आप उसे फेर दीजिए, और फिर आप उसे जो है जाके मंदिर में दान दे आइए। देखिए, ये एक बहुत ही आसान उपाय है जिससे आप रोज करेंगे तो आपके जीवन की परेशानियां जो हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी। और जो उपाय हैं वो है कि हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है हम फील कर रहे हैं आजकल, तो उसके लिए सबसे अच्छा होता है एक कछुआ रखना घर में। कछुआ हम जिंदा तो घर में रख नहीं सकते क्योंकि ये तो अलाउड ही नहीं है। तो कछुआ क्या कर रहे हैं आप, कछुआ की कोई भी बाजार से एक वो ले आइए, स्टैचू ले आइए या कछुए का एक पीस ले आइए, और उसे फेस कीजिए आप नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होने लग जाएंगी। अगर कछुए के मुख पे अंदर 3 सिक्के भी अगर हैं तो उसे इनवर्ड डायरेक्शन में रखेगा, यानी कि जो घर के अंदर आने का रास्ता है उसमें रखेंगे। जिस दरवाजे से आप आ रहे हैं अंदर, तो उसका मुंह ऐसे अंदर की तरफ होना चाहिए कछुए का। जी हाँ, अगर उसका मुंह अंदर की तरफ होगा कछुए का, तो धन हमारे घर में आएगा। तो हमारे को अगर धन की प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि धन की प्रॉब्लम में कुछ लोगों को कर्जा भी लेना पड़ गया हो, तो धन बरसेगा अगर आप 7 लौंग ले लीजिए, और उस 7 लौंग को आप जाके शनि मंदिर में जाके उसको दान दे आइए। तो उससे जो है आपका कर्जा जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अपने शूज़ को पॉलिश करके घर से निकलना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलता है। और धन बरसाने वाले उपाय क्या होते हैं, जी हाँ, हाथी को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर हाथी का जोड़ा आप अपने घर में रखते हैं और उसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ रखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको लकड़ी का हाथी मिल जाए कहीं से जोड़ा, तो वो तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि लकड़ी जो होती है वो शुभ मानी जाती है फाइनेंसेस को लेके। तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर चाहें तो किसी स्वैन या हंस की पिक्चर भी आप लगा सकते हैं अपने घर की वॉल पे, वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है धन के लिए, इससे भी धन का आगमन घर में होता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो मैं हमेशा आपके पास लेके आती हूँ। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, तो आपने एक चांदी का सिक्का लेना है या चांदी का स्क्वायर पीस ले लीजिए, और उसे अपने पॉकेट में हमेशा रखिए। अगर आपको लगता है कि स्क्वायर पीस बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा आपके लिए, तो एक चांदी का सिक्का हमेशा अपने वॉलेट में रखिए, इससे धन की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो धन की प्रॉब्लम्स जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी,
और आपके घर में धीरे धीरे धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। बैंक बैलेंस में भी आपके वृद्धि आएगी और आपकी परेशानियां भी खत्म होंगी। सो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी ऐसे ही बहुत सारे उपाय और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपके पास आऊँगी। मेरा YouTube चैनल है पामिस्ट्री विद निशा गई, सब्सक्राइब कीजिए अभी आप। मेरा Instagram पेज है निशा एस्ट्रो पामिस और मेरा टेलीफोन नंबर है 9910808692। इस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ फ्रूटफुल डे। धन्यवाद।